साथियों, दीदी के करीबी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। सुना है ना आपने, उनके एक मंत्री होगा जो बीजेपी को वोट देगा उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? क्या ये बातें मंजूर है? क्या ये अहंकार मंजूर है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। आपको गाली देनी है तो मोदी को गाली दीजिए। अरे सोचना भार भार के गाली दीजिए। लेकिन दीदी सुन लीजिए, ओ दीदी, बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमय पहचान का अपमान मत करिए। आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके तोलाबाजों, आपके सिंडिकेट, आपके कटमनी सिस्टम को अब बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बंगाल आज सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ है। बंगाल को नहीं चाहिए दीदी का कुशासन, नहीं चाहिए। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बांग्ला चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चाइना दीदी भाईपोर हिंसार खेला, बांग्ला चाय अशोल परिवर्तन, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय शिक्षा, शिल्प, कर्म संस्थान, बांग्ला चाय नारी सुरक्षा, बांग्ला चाय कृषक सम्मान, बांग्ला चाय भय मुक्त परिवेश, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय विश्वास, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला सरकार, बीजेपी सरकार।